हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको इस प्रकार से दिया है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना आपका है, आपको प्रूफ करना है ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू वाई बराबर जीरो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्यू का मान। तो ए क्यू का मान निकालने के लिए आपको उससे पहले निकालना होगा ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई मैं करा देता हूं इस तरीके से, आप मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले रो का पहले कॉलम से गुणा कराएंगे तो वन वन जा वन आपको मिल जाएगा, प्लस जीरो का गुणा जीरो में करेंगे जीरो मिलेगा, फिर टू का गुणा टू में करेंगे तो आपको फोर मिल जाएगा, फिर पहले रो का ही सेकंड कॉलम में गुणा कराएंगे तो एक का गुणा जीरो में कराएंगे जीरो मिलेगा, फिर जीरो का गुणा दो में कराएंगे आपको जीरो मिलेगा, फिर दो का गुणा आप जीरो में कराएंगे तो जीरो ही मिलेगा, फिर फर्स्ट रो का ही पहले रो का ही थर्ड कॉलम में गुणा कराएंगे तो एक का गुणा दो में कराएंगे आपको दो मिलेगा, प्लस जीरो का गुणा एक में कराएंगे जीरो मिलेगा, फिर दो का गुणा आप तीन में कराएंगे तो आपको छह मिलेगा। फिर सेकेंड रो उठाना है, फर्स्ट कॉलम में गुणा करना है, जीरो का एक में गुणा कराएंगे तो आपको जीरो मिलेगा, फिर दो का गुणा आप जीरो में कराएंगे तो जीरो ही मिलेगा, फिर एक का गुणा दो में कराएंगे तो आपको दो मिल जाएगा। फिर सेकंड रो का इस सेकंड कॉलम में तो जीरो का जीरो में गुणा जीरो होगा, फिर उसके बाद से दो का गुणा दो में करेंगे तो आपको चार मिलेगा, फिर उसके बाद से एक का गुणा आप जीरो में करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में तो जीरो का गुणा दो में कराएंगे तो आपको दो मिलेगा, फिर दो का गुणा एक में कराएंगे आपको दो मिलेगा, फिर आप एक का गुणा तीन में कराएंगे तो आपको तीन मिल जाएगा। ओके, अब यहां से आपको सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में तो जीरो का गुणा दो में कराएंगे तो यहां पर आपको जीरो मिलेगा, उसके बाद से दो का गुणा एक में कराएंगे दो मिला, फिर एक का गुणा तीन में कराएंगे तीन मिला। ओके, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो दो का गुणा दो एक में कराएंगे दो मिलेगा, फिर जीरो का जीरो हो जाएगा, तीन का गुणा दो में कराएंगे तो आपको छह मिल जाएगा। फिर थर्ड रो का इस सेकंड कॉलम में तो दो का गुणा जीरो में जीरो हो जाएगा, जीरो का गुणा दो में जीरो हो जाएगा, तीन का गुणा जीरो में तो जीरो मिल जाएगा। फिर थर्ड रो का इस थर्ड कॉलम में तो दो का गुणा दो में कराएंगे तो आपको चार मिलेगा, प्लस जीरो का गुणा एक में कराएंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, प्लस तीन का गुणा तीन में कराएंगे तो आपको मिल जाएगा नौ। ओके, अब इन सबको आपस में जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा चार एक पांच, यहां से आपको मिल जाएगा जीरो, फिर यहां से छह दो आठ, फिर यहां से आपको मिल जाएगा दो, फिर यहां से आपको मिल जाएगा चार, फिर यहां से आपको मिल जाएगा पांच, फिर छह दो आठ, फिर जीरो, फिर उसके बाद से नौ चार तेरह। ए आपके ए स्क्वायर का मान निकल गया, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, फिर ए क्यू का मान निकालेंगे। इस तरीके से ए स्क्वायर के मान को मैंने साइड में लिख लिया, अब हमको निकालना है ए क्यू का मान। तो ए स्क्वायर का गुणा ए में कर देंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू है और ए की वैल्यू है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ए क्यू मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो पहले रो का पहले कॉलम में तो पांच गुणे एक पांच हो जाएगा, फिर प्लस जीरो गुणे जीरो आपका जीरो हो जाएगा, फिर आठ गुणे दो आपका सोलह हो जाएगा, फिर पहले रो का इस सेकंड कॉलम में पांच का गुणा जीरो में जीरो हो जाएगा, जीरो का गुणा दो में जीरो, फिर आठ का गुणा जीरो में जीरो, यानी फाइनली आपका जीरो मिल जाएगा। फिर पहले रो का इस थर्ड कॉलम में तो पांच का गुणा दो में आपको मिलेगा दस, फिर जीरो का गुणा एक में आपको मिल जाएगा जीरो, फिर आठ का गुणा तीन में कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 24। फिर आपका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो दो का गुणा एक में कराएंगे तो आपको मिल जाएगा दो, चार का गुणा जीरो में जीरो, अब पांच का गुणा दो में कराएंगे तो आपको मिल जाएगा दस। ओके, फिर सेकंड रो का ही सेकंड कॉलम में तो दो का गुणा जीरो में कराएंगे तो जीरो मिलेगा, फिर चार का गुणा दो में कराएंगे तो प्लस का आठ मिलेगा, फिर पांच का गुणा जीरो में कराएंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। फिर सेकंड रो का ही थर्ड कॉलम में तो दो का गुणा दो में कराएंगे तो आपको चार मिलेगा,
फिर चार का गुणा एक में कराएंगे तो भी चार मिलेगा, फिर पांच का गुणा तीन में कराएंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, फिर थर्ड रो का ही फर्स्ट कॉलम में तो आठ का गुणा एक में कराएंगे तो 8 मिलेगा, फिर जीरो का गुणा जीरो, फिर 13 का गुणा दो में कराएंगे तो आपको 26 मिल जाएगा, फिर थर्ड रो का ही सेकंड कॉलम में तो आठ का गुणा जीरो में जीरो हो जाएगा, जीरो का गुणा दो में जीरो हो जाएगा, 13 का गुणा जीरो में तो जीरो ही हो जाएगा, फिर थर्ड रो का ही थर्ड कॉलम में तो आठ का गुणा दो में कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16, फिर उसके बाद जीरो का गुणा एक में जीरो हो जाएगा, 13 का गुणा तीन में कराएंगे तो आपको प्लस का 39 मिल जाएगा। ओके, अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए तो आपका एक्यू का मान निकल जाता है, तो 16 5 कितना हो गया 21, यहां से आपका जीरो हो गया, यहां पर 24 10 कितना हो गया 34, फिर यहां से आपका 10 2 12, फिर यहां से आपको 8 मिल जा रहा है, फिर यहां से आपका 15 और 8 कितना हो जाता है 23, फिर यहां से आपको मिल जाता 26 और 8 34, फिर यहां से आपको 0, फिर यहां से आपको मिल जाता 39 और 16 कितना हो जाता है 55, ए आपके एक्यू का मान हो गया। ओके, अब हम समीकरण में रख देते हैं सारी वैल्यू, एक्यू का मान एक्यू के जगह और फिर ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर के जगह, फिर उसके बाद से 7a है तो 7a और सारी चीजें समीकरण में रख देते हैं इस तरीके से। प्यारे दोस्तों, मैंने सारी वैल्यू समीकरण में रख दिया, एक्यू के जगह पर एक्यू का मान माइनस का सिक्स ए स्क्वायर प्लस सात ए का मान रख दिया +2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेना है 3x3 का, क्योंकि ए सारी वैल्यू 3x3 में है, इसलिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अभ्यू आपको 3x3 के रूप में लेना ही है। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ए मैट्रिक्स आपका वैसे ही होगा 21 0 34, फिर 12 8 23, फिर 34 0 और 55। ओके, उसके बाद से इस 6 का पूरे में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो माइनस हो जाएगा 6 5 30 0 6 8 48, फिर 6 2 12 6 4 24, फिर 6 5 30, फिर 6 8 48, फिर 6 0 0, फिर 13 6 78। ओके, अब यहां से आप 7 का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 7 0 7 2 14, 7 0 0 7 2 14, फिर 7 1 7 7 2 14 0 7 3 31। ओके, फिर प्लस 2 का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 0 0, फिर 0 2 0, फिर 0 0 2। ओके, इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब 21 माइनस का 30 माइनस 9 होगा, अब माइनस 9 और प्लस 7 माइनस 2 और प्लस 2 आपको मिल जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0 0 0 0, तो 0 आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 34 माइनस 48 कितना बचेगा माइनस 14 और प्लस 14 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 12 माइनस 12 0 0, तो 0 यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, फिर 8 माइनस 24 -16 +16 -2 और +2 0, फिर उसके बाद से 23 माइनस का 12 23 माइनस का 30 तो आपको बचेगा -7 और +7 और 0, तो यहां पर भी आपको 0 मिल जाएगा, फिर उसके बाद से 34 माइनस का 48 तो -14 होगा, अब +14 तो 0 हो जाएगा और 0, तो 0 यहां पर भी मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ 0 0 0 0, तो यहाँ पर भी 0 मिल जा रहा है, फिर 55 माइनस 48 तो कितना बचेगा 55 और माइनस का 48 तो 23 बचेगा, और 21 2 23 से भी हो जा रहा है, तो इस तरीके से ए भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 मैट्रिक्स का मान भी 0 होता है। तो इस तरीके से मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, तो इसको सॉल्व किया मैंने 0, तो प्रूफ हो गया कि इतनी सारी की वैल्यू 0 के बराबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ए बराबर आपको दे दिया है इस प्रकार से मैट्रिक्स, और आई बराबर 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दे दिया है, ए भी आपका 2x2 का ही है, आपको a² k a - 2i दिया है, आपको k का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको a² का मान निकालना है, तो a² का मान निकालने के लिए मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे।
अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपको ए स्क्वायर का मान मिल जाएगा। तो पहले रो का पहले कॉलम में तो 3 3 का 9 माइनस का 8, फिर उसके बाद से पहले रो का सेकंड कॉलम में तो 3 दुना माइनस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 4 मिल जाएगा। फिर उसके बाद से सेकंड रो का पहले कॉलम में तो 4 3 12 आपका हो जाएगा, फिर माइनस का 8 हो जाएगा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 4 × -2 आपका हो जाएगा माइनस का 8, फिर माइनस का 2 × -2 प्लस का 4। इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका 9 में से 8 जाएगा 1 मिलेगा, माइनस 6 में प्लस का 4 जाएगा माइनस का 2 मिलेगा, 12 में से 8 जाएगा आपको 4 मिलेगा, फिर माइनस 8 में से प्लस 4 तो आपको माइनस का 4 मिल जाएगा। ओके, ए आपके ए स्क्वायर का मान हो गया। अब सारी वैल्यू इस समीकरण में रख दीजिए तो ए स्क्वायर का मान आपका कितना है, 1 − 2 = 4 और माइनस का 4, उसके बाद से बराबर के ए का मान रख दीजिए कितना है, 3 − 2 = 4 और माइनस का 2, उसके बाद से प्लस माइनस 2y, आई का मान कितना है 1001। अब इसको आप आगे सॉल्व करिए तो 1 − 2 = 4 − 4, फिर उसके बाद से आपका k का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3k माइनस का 2k 4k और माइनस का 2k। ओके, उसके बाद से इस 2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2002। ओके, अब क्या करना है, कंपेयर करा देना है। तो कंपेयर किस प्रकार से कराएंगे, 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 3k − 2 तो यहां से आपको 3k बराबर आपको 3 मिल जाएगा, तो k की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस आव्यूह का इन दोनों आव्यूह के अंतर से आप तुलना कराएंगे तो कहीं पर भी आप तुलना करा लीजिए, k का मान एक ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।